केम छो आप लोग मजामा दोस्तों, पूरे देश अभी फेस्टिवल मूड में है। बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में नवरात्रि, शक्ति देवी की पूजा अर्चना चल रहा है और कुछ दिन के बाद दिवाली भी आने वाला है। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो और होना भी चाहिए। आप सभी लोगों को नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मस्ती कीजिए, खूब मजे कीजिए। दोस्तों गुजरात में नवरात्रि का मतलब है 9 days, जहाँ पे माँ मतलब नारी शक्ति की आराधना किया जाता है। ये नवरात्रि पूरे गुजरात में बड़ी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय गुजरात के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ज्यादातर लोग वो पहनकर गरबा में भाग लेकर सभी मिलकर गरबा डांस करते हैं। दोस्तों इस समय मानो कि पूरे गुजरात में खुशी का लहर चलता है। हर कोई माता की भक्ति में लिप्त होती है। नवरात्र भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। नवरात्रि के बहुत पहले से ही सभी गुजराती अपने आप को तैयार कर लेते हैं गरबा में भाग लेने के लिए। झूमते हुए लोग यहाँ पर डांडिया खेलते हैं, हर कोई अपने आप में मस्त मगन रहता है। गरबा गुजरात में सबसे फेमस है। नवरात्रि गुजरात में सबसे बड़ी फेस्टिवल है। गरबा शब्द गरबा एंड दीप शब्द से आया है, जिसका मतलब है मिट्टी के पात्र में रखी गई जलता हुआ बाती। दोस्तों क्या आपको पता है, गरबा सिर्फ हमारे देश एंड गुजरात में सीमित नहीं है। अमेरिका के करीब 20 यूनिवर्सिटीज में गरबा प्रतियोगिता रखा जाता है हर साल। अभी के दिन गरबा एंड डांडिया मिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण ये और भी पॉपुलर हो चुका है यंग जनरेशन के लिए, और ये अभी वर्ल्ड वाइड फेमस है। गुजरात में जो आदमी गरबा में भाग लेते हैं वो कुर्ता के साथ पाजामास, माथे पे पगड़ी एंड नगरास पहनकर भाग लेते हैं। लड़कियां यहाँ पर कलरफुल हेवी डिजाइनिंग की हुआ चुनरी पहनते हैं, जहाँ पे कांच के छोटे छोटे काम भी किया जाता है। गले में सिल्वर और ब्लैक कलर के नेकलेस, बिग इयर रिंग्स, बाजू बेंड एंड मांग टीका पहनकर गरबा में भाग लेते हैं। पूरे गुजरात में जगह जगह पे बड़ी सी जगह पे डेकोरेशन किया जाता है और गुजराती फोक सॉन्ग या फिर न्यू गरबा गाने के साथ सभी मिलकर झूमते हुए गरबा करते हैं और ये गरबा देर रात तक चलता है। इसी तरह नवरात्रि बड़ी झूमते हुए गुजरात मनाया जाता है। अगर आप नवरात्रि के समय गुजरात पे नहीं आए तो जरूर आइए, इस समय गुजरात का एक अलग मिजाज आप देख पाएंगे। ऐसे तो साल भर गुजरात में लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय स्पेशल पकवान बनाया जाता है और नाच गाना शक्ति देवी की आराधना के साथ साथ खाना पीना भी होती है। मेरे तरफ से सर आप लोगों को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ पूजा सीरीज के ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपनी थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ इसी तरह वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।